जय हिंद एवरीवन। भाई जैसा आप सभी जानते हैं कि कल है 31 मार्च और कल से शुरू होने वाला है आईपीएल। जी हाँ, आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन आईपीएल 2023 के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे पूरी की पूरी अगर मैं बात करूँ आईपीएल की इमेज बदलने वाली है और आने वाले टाइम में हो सकता है क्रिकेट की भी इमेज बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ये तीन ऐसे पॉइंट जो इस बार आईपीएल के अंदर आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट है टॉस से रिलेटेड। जब आप टॉस अभी तक होता था तो क्या होता था कि टॉस के साथ ही टीम सौंपनी होती थी, लेकिन अब क्या हो चुका है आईपीएल में, इस बार से टॉस होने के बाद आप अपनी टीम डिसाइड कर सकते हो। जी हाँ, कैप्टन्स जो हैं वो अपनी टीम को टॉस के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी बैटिंग आई है बॉलिंग आई है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं। ये पहला एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड है जो DRS होता था वो अब तक क्या कर पाते थे हम लोग, जब कभी भी LBW हो रहे हैं, कैच आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां हम DRS का उपयोग करते थे। लेकिन इस बार से क्या देखने को मिल रहा है कि अब वाइड बॉल और नो बॉल, जिसको लेकर पहले कई बार सवाल उठते रहे कि DRS क्यों नहीं ले पाते, तो इस IPL में वाइड बॉल और नो बॉल को लेकर भी आप DRS की मांग कर सकते हो और DRS वहां पर उपलब्ध रहेगा। वहीं तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा और सबसे मेजर पॉइंट है, जो है इंपैक्ट प्लेयर, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस पूरे IPL के अंदर। जी हाँ, इंपैक्ट प्लेयर में क्या होगा कि अगर कोई भी टीम अपने 11 को डिसाइड कर रही है प्लेइंग 11, उसके बाद उसको 4 जो है वो अपने बैकअप प्लेयर शो करने पड़ेंगे, 4 नाम बैकअप प्लेयर के लिए शो करने पड़ेंगे। और बीच मैच के दौरान किसी भी टाइम कोई भी टीम किसी भी एक प्लेयर को किसी भी दूसरे प्लेयर से रिप्लेस कर सकती है, मतलब एक 12th मैन अंदर आ सकता है और अंदर वाला प्लेयर बाहर जा सकता है। लेकिन हाँ, जो प्लेयर बाहर जाएगा वो फिर मैच के दौरान अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन एक 12th मैन भी अंदर आ सकता है। तो ये इंपैक्ट प्लेयर भी एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाला है इस IPL के अंदर। बाकी देखते हैं भाई IPL कैसा रहने वाला है ना। तो मिलते हैं फिर IPL की बाकी अपडेट्स के साथ IPL के दौरान। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।